तो फ्रेंड्स, आप सब सुपर हीरो को जानते होंगे, आपने इनके पावर्स वीकनेस भी पता होंगे। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि थॉर, आयरन मैन और बहुत सारे सुपर को हराना बहुत आसान है, तो यही जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ऑसम सुपर हीरो कंटेंट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे टेक जीनियस यानी कि टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क के पास है 50 से भी ज़्यादा आयरन मैन सूट, पर उन सूट के बिना वो है तो एक आम इंसान। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है ईएमपी। आप हमें ईएमपी का लॉन्ग फॉर्म कमेंट में बता सकते हैं। तो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ईएमपी की वजह से उसका सूट खराब हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रो इम्पल्स से वो उसके सूट को बंद कर देते, और अगर यही इम्पल्स उसके आग रिएक्टर में गए तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे हरे दारा, मतलब हरे पहाड़ यानी कि अल्क के बारे में, जो कि ब्रूस बैनर है। जब वो इंसान होता है तब उसे मारना और भी आसान है, पर हल्क की एक और बड़ी कमजोरी है। हमने देखा अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कि ब्रूस बैनर और नताशा रोमानोव दोनों एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करने लगे। तो अगर हल्क हल्क फॉर्म में हो और हम उसके सामने ब्लैक विडो को ला दें तो हल्क शांत हो जाएगा और वो फिर से ब्रूस बैनर बन जाएगा। तो उसे हराना और भी आसान है, और भी हम हल्क को बना सकते हैं, जो कि है अगर वांडा हल्क का दिमाग कंट्रोल कर सकती है और उसे किसी भी हथियार की तरह यूज कर पाए तो हम हल्क को एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। और कोई भी मैजिशियन जो दिमाग कंट्रोल करता है वो भी उसे कंट्रोल कर सकता है, पर इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। अब बात करते हैं हमारे मरे हुए सुपर हीरो की, आज हम उनको भी जिंदा करें। तो बात करते हैं हमारे विजन की, जो कि आधा इंसान है और आधा कंप्यूटर प्रोग्राम है। उसकी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, पर विजन तो अब मर चुका है, और वो मरा भी किसके हाथों, एमसीयू के सबसे स्ट्रांगेस्ट सुपर विलन यानी कि थैनोस के हाथों, पर उसे तब मरना ही था। अब बात करते हैं विजन की वीकनेस की। तो विजन एक का दिमाग एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो हम उसे हैक भी कर सकते हैं, या फिर उसके दिमाग में हम वायरस डाल के उसकी फाइल करप्ट कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि टोनी स्टार्क ने 5 मिनट में पेंटागन को हैक कर लिया, तो उसके लिए विजन को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अगर हम विजन का माइंड स्टोन निकाल लें तो विजन जी नहीं पाएगा, पर आपको मैं बता दूं कि विजन के पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और माइंड स्टोन से उसकी पावर का सोर्स है, पर तब भी विजन जिंदा रहेगा, ये हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पता चला। तो अब जानते हैं आगे बात करते हैं हमारे अवेंजर्स एंड गेम के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट की, यानी कि हमारे एंटमैन की, जिसका अवेंजर्स एंड गेम में बहुत बड़ा रोल होगा। एंटमैन वो शख्स है जो अवेंजर्स को टाइम ट्रैवल करने में मदद करेगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि एंटमैन एक जायंट मैन बन सकता है या फिर उसकी साइज घटा सकता है? पर क्या आप ये जानते हैं एंटमैन उसके हेलमेट के बिना बड़ा नहीं हो सकता या फिर छोटा भी नहीं हो सकता? पर अगर वो एक बार छोटा आ गया तो उसके हेलमेट के बिना वो उसकी नॉर्मल साइज में भी नहीं आ सकता। ये क्या ये आपको पता था, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पर एंटमैन बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाए, जो कि है वो क्वांटम रिलीम से भी जाके वापस आया, तो अब वही अवेंजर्स को क्वांटम रिलीम से ट्रैवल करने में मदद करेगा। तो अब जानते हैं हमारे प्यारे देशभक्त यानी कि कैप्टन अमेरिका के बारे में, जो कि एक सुपर सोल्जर है, पर तब भी उनके पास सिर्फ एक वाइब्रेनियम शील्ड है, पर वो आम ह्यूमन से थोड़े अपग्रेड होंगे, उनकी स्पीड एबिलिटी और बाकी के ह्यूमन से ज़्यादा होंगी। पर कैप्टन के पास उसकी वाइब्रेनियम के शील्ड के बिना और कोई हथियार नहीं है, पर कैप्टन जूडो, ट्वाइकांडो, कराटे और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एकदम माहिर है। पर कैप्टन का हेतु एक आम ह्यूमन है, आयरन मैन के रिपल्सर ब्लास्ट या फिर हल्के एक मुक्के में या फिर थॉर के एक लाइटनिंग स्ट्राइक में कैप्टन का खेल खत्म, पर तब जब उनके पास शील्ड नहीं हो क्योंकि उनकी शील्ड बनी है वाइब्रेनियम से। अब बात करते हैं आज के कुछ बोनस पॉइंट की, जो कि हमने लाई है एनिमेटेड सीरीज में, तो चलिए इसे देखते हैं। जब एनिमेटेड सीरीज में फैल्कन शील्ड को ज्वाइन करता है तब निक फ्यूरी उसे कहता है कि हमें एक इमरजेंसी प्रोग्राम चाहिए जब अवेंजर्स बेकअप हो जाए तब उन्हें रोकने के लिए, पर तब वो फैल्कन उसे मना कर देता है, पर तब भी फैल्कन वो प्रोग्राम बनाता है। तो उस प्रोग्राम में ये थे कि आयरन मैन के लिए ईएमपी एरोस, थॉर के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस जो कि उसके हैमर पर रखती है, हल्क के लिए ना रुकने वाली चीक और ऐसे बहुत सारे डिवाइस। तो दोस्तों, आपको ये वीकनेस कैसे लगे हमें कमेंट में बताइए, और ईएमपी का लॉन्ग फॉर्म भी हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऑसम सुपर कंटेंट के लिए हमारे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो दिस क्रिएट स्टूडियो हैट्स ऑफ टू, मिलते हैं अगले वीडियो में।